हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़, तो काफ़ी डिले हो गया। कुछ दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था और थोड़ा सा तबीयत का भी प्रॉब्लम थी। सो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स टॉप 20 क्वेश्चन से हमारे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कि वो टॉप 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिप्स विच इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास WTO। ओके, द करेक्ट आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो WTO इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज WTO। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द करंट क्रॉप ईयर। सो स्टूडेंट्स, दैट इज 109.24 मिलियन टन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो जो बेटा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। और जैसे कि आपको पता है कि इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मांगते हैं सर इसके आंसर की, आंसर तो मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, तो उसके आंसर की जरूरत क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने एक ये लॉन्च किया है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द नेम ऑफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू बी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी शॉर्टली, दैट इज सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। India has agreed to set up a hotline with which of its neighboring country, students, ये तो बहुत highlighted था, that is China. Okay? Next question की तरफ move करेंगे, which state is to host the Indian Women's League? Okay, so correct option is Odisha. Okay, option D. Students, अगर आप कोई भी entrance की preparation कर रहे हैं, if you want to join our test series, then हमारे यासर अली क्लासेस के कम्युनिटी टैब पर एक गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, हम आपको अपनी टेस्ट सीरीज में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, और 5th of September को इंशाल्लाह शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर आप लोग के लिए बहुत कुछ हम लोग लेकर आ रहे हैं, सरप्राइजेज हैं। ओके, सो बने रहे चैनल के साथ और मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉसिल्स ऑफ, ओके, इट इज नॉट टाइटनासोर, इट इज डायनासोर। ओके, डायनासोर हैव रिसेंटली बीन अनअर्थ इन विच कंट्री, द करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपनी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पायलटलेस फाइटर लाइक जेट प्रोटोटाइप। द करेक्ट आंसर इज बोइंग। ओके, कौन सी कंपनी है, बोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, When is the Zero Discrimination Day observed annually across the world? March 1st. Okay, March 1st, Zero Discrimination Day, option A is correct. Next question, question number 10. Prasad scheme, which is in news recently, was launched under which Union Ministry? So, Ministry of Tourism. Ministry of Tourism, option A is correct. Option A is correct. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री, द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। ओके, करेक्ट आंसर इज ब्राजील। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्मा कार्गो सर्विस हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, नम्मा कार्गो स्कीम ये कहां पर लॉन्च की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कर्नाटका। ओके, हाँ, नेशनल साइंस डे इज बींग ऑब्जर्व इन इंडिया टू कमेरेट द डिस्कवरी ऑफ विच साइंटिस्ट, बताओ कौन से साइंटिस्ट थे हमारे पास, सबसे बड़े फिजिसिस्ट है कौन, सीवी रमन, कौन है जी, सीवी रमन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इंडियन स्टार रेस्लर वन द गोल्ड मेडल एट द यूक्रेनियन रेस्लर एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी, विनेश फोगाट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विनेश फोगाट। Which company has developed the world's first pilotless fighter like jet prototype? Boeing. ये दोबारा क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एज पर द 10th एडिशन ऑफ हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनेयर्स? सो बेटा सबसे टॉप पर बिलियनेयर्स जो है वो है चाइना में, 1000 से ऊपर बिलियनेयर्स की लिस्ट है कहां पर? चाइना में। ओके, 1000 से ज्यादा, तो चाइना एक कंट्री है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। जुलुप क्रेटर इज एन इंपैक्ट क्रेटर बुरीड अंडरनीथ यूकैटन पेनिनसुला इन विच कंट्री? सो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको, करेक्ट आंसर इज मैक्सिको। स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली अनवील्ड इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी 2021? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कर्नाटका। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स हैज सेट अप साइंस सेंटर इन उदयपुर लोकेटेड इन विच स्टेट? दैट इज त्रिपुरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंडियाज लार्जेस्ट ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। ओके, सो स्टूडेंट ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस आपके, जो आपके एंट्रेंस में मे बी आ सकते हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस आप तक पहुंचा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकती है? यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से आपको ये पीडीएफ्स मिल सकती हैं। और स्टूडेंट्स इफ़ यू वॉन्ट आवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देन गो टू द कम्युनिटी टैब एंड वहाँ पर आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म को फिल करिए। ओके, सो हम एक ऐसा बैच बनाएंगे, ऐसा बैच क्रिएट करेंगे जिसमें आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं। आई होप दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आई वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।